मैं हूँ संजीव दोस्तों। अभी हम बात करते हैं कि उज्जैन के बेस्ट होटल टॉप 5 होटल के बारे में, कि कैसे आप यहाँ पे आ सकते हो, उसके अलावा इस होटल के बारे में कैसे डिटेल रहेगी, टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। अगर आप नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, आज का ये व्लॉग। अभी आए हुए दोस्तों हम यहाँ पे, ठीक है, स्टेशन 8 नंबर गेट की तरफ, यहाँ विवेकानंद कॉलोनी के पास में है, ये पीछे है। तो अभी यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको होटल के बारे में, बाकी आप मेरे को बताना दोस्तों होटल आपको कैसा लगा। अभी हम आए हैं इस होटल में। इस होटल की अगर हम बात करूँ, ये भी रेलवे स्टेशन बिल्कुल नज़दीक है, गेट नंबर 8 के पास है। बाकी अंदर से हम आपको दिखा देते हैं कि ये कैसा है। बाकी सर से बात हो चुकी है। जी सर, बताइए इस होटल के बारे में बताइए। जी, अगर आप होटल सर्च कर रहे हैं जो कि स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक हो, तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आइए। उसके सामने वाली रो में सेकंड राइट पे हमारा होटल है कंच होम स्टे करके, जो कि आपको बिल्कुल ही रीजनेबल रेट में पड़ेगा। अगर आप सीजन में आते हैं, जैसे सैटरडे संडे वीकेंड में आए आप, तो आपको रेंज आएगी 750 के लगभग। और अगर आप नॉन सीजन में आते हैं, बिल्कुल जैसे कि अपना फ्राइडे से पहले और मंडे के बाद, ये बीच के डेज में अगर आप आते हैं, तो आपको रूम मिल सकता है 550-600 की रेंज के अंदर ही, जो कि आपको बिल्कुल ही बजट में पड़ने वाला है। और अगर आप बल्क में रूम चाहते हैं, कि आपका कुछ प्रोग्राम है, आपके 20-30 जने आ रहे हैं, आपकी ट्रिप प्लान है, उसके हिसाब से भी आपको रूम के रेट कम कर दिए जाएंगे। सारे रूम आपके लेटबल अटैच रूम है, आपको गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, और रूम में कंफर्ट इस हिसाब से बनाया गया है कि इस हिसाब से डिसाइड है कि उज्जैन में मेनली पब्लिक आती है दर्शन करने के लिए, तो उनको एक केवल सोने के लिए जगह चाहिए और नहाने धोने के लिए वॉशरूम चाहिए। उस हिसाब से रूम परफेक्ट है कि आप वॉशरूम यूज़ कीजिए, आप मंदिर के दर्शन से आइए, और रात में आपको सोने के लिए बेड एकदम कम्फर्टेबल है। और रूम की स्पेस आप बोलेंगे थोड़े कंजेस्टेड है, हाँ रूम थोड़े छोटे हैं, लेकिन रूम की डिज़ाइन ही हमारे हिसाब से कि कस्टमर को बजट फ्रेंडली रहे और उनके पॉकेट से ज़्यादा खर्चा भी ना हो, इस हिसाब से हमने रूम डिज़ाइन करे हैं कि बजट आपको उतना ही पड़े, लेकिन आप रूम में कंफर्ट आपको उतना मिल जाए और आपको सुविधा भी सारी मिले। रूम में आपके लेटबल सब अटैच रहेगा और गर्म पानी की सब सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। तो एक बार कार्ड दिखा दीजिए सर, अगर कोई पर्सन आता है तो कार्ड में देख के आपसे बात कर सकते। ये रूम देखिए, रूम भी काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छे रूम है। यहाँ पे आपको सीटिंग का मतलब बाकी चलिए मिल जाएगा आपको, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आपको यहाँ बाहर की देखो, बाहर का जो एरिया दिखेगा वो भी आपको काफ़ी अच्छा दिखेगा इन रूम में। ये रूम देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा रूम है, ठीक है। और बाकी साथ सजाने का भी फैसिलिटी वगैरह है, और बाकी वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, आपको वॉशरूम भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको सामान टेकने के लिए और हैंगर वगैरह मिल जाएगा। यह है होटल तारा पैलेस। इसके अगर हम बात करूँ, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो ये इनकी बिल्डिंग है। बाकी हम अंदर से देखते हैं और सर से बात करके बताते हैं कि आपको क्या किस प्राइस में ये रहेगा। अभी हम आ चुके हैं अंदर, सर से बात करेंगे, अभी हम जानेंगे इसके रेट के बारे में। हेलो सर, नमस्कार। सर बताइए इस होटल के बारे में बताइए सर, ये होटल का एड्रेस क्या है और बाकी यहाँ पे कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं सर? यह रेलवे स्टेशन से 300 मीटर की दूरी पर है लगभग। okay, हाँ। और वहाँ से रिक्शा वगैरह मिल जाता है, ई रिक्शा या सीएनजी रिक्शा मिल जाता है आने के। तो नाम क्या है सर होटल? होटल तारा पैलेस। तारा पैलेस, होटल तारा पैलेस। ओके, तो सर इसकी प्राइस वगैरह रहेगी, क्या प्राइस रहता है सर? दो तरह के हैं, या सीजन में थोड़ा सा डाउन रहता है, ऑफ सीजन में थोड़ा सा। तो फिर क्या मतलब कितने से स्टार्ट होता है रूम यहाँ? ऑफ सीजन में 800-1000 के बीच में मिल जाता है। और अगर सीजन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या? सीजन में लगभग 1200-1300 के आसपास, 1300 तक चला जाता है। ये सैटरडे संडे का कुछ अलग रहता है? सैटरडे संडे का यही 1300। तो सर बाकी आप हमें एक बार कार्ड दिखा दीजिए, ठीक है, जब तक मैं, अगर कोई पर्सन आता है, ये इनका सर का कार्ड है, अगर कोई पर्सन आता है तो इस पे कॉल करके सर के पास आ सकता है। चलिए सर एक बार रूम दिखा दीजिए। जी ठीक है, चलिए सर। यह है दोस्तों यहाँ का सबसे बेस्ट रूम। अगर बात करें रूम की, काफ़ी शानदार रूम है और एसी रूम रहेगा आपका, ठीक है। एलसीडी और बाकी चीज़ें की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ का जो वॉशरूम रहेगा वो भी आपको काफ़ी अच्छा, आपको वॉशरूम मिल जाएगा। देखो काफ़ी बड़ा वॉशरूम है और काफ़ी अच्छा वॉशरूम है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, आप बुक कर सकते हो इस चीज़ को। अभी मैं आया हुआ हूँ एक दूसरे होटल में, ठीक है, उज्जैन के सबसे बेस्ट होटल में, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है। तो उस होटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि उसका प्राइस क्या रहता है, उसके अलावा उनके ना लोकेशन क्या है, उसके साथ साथ वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिलेगी। अभी मैं आया हूँ दोस्तों होटल श्री मोती पैलेस में, जो कि सबसे शानदार होटल है। बाकी मैं अंदर से आपको दिखा देता हूँ, रिसेप्शन पर मिलवा देता हूँ, ठीक है, इसके होटल के बारे में और बाकी डिटेल्स के बारे में दिखाते हैं। होटल मोती पैलेस, जो कि यहाँ का ये रिसेप्शन एरिया है, ये हैं सर, अभी इनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार, कैसे हो आप?
हाँ जी सर बताइए सर, होटल के बारे में बताइए। अपनी होटल का नाम श्री मोती पैलेस और ये आपको रेलवे स्टेशन से 300 मीटर के अराउंड पड़ता है और यहाँ से महाकाल मंदिर भी आपको 300 मीटर पड़ता है। बिल्कुल सेंटर में अपना होटल सिटी के सेंटर में पड़ता है। इसकी प्राइस रेंज आपको डबल बेड के रूम की ऑन सीजन में आपको जाएगी 1800 to 1500 और ऑफ सीजन में अगर आप आओगे तो 1200 to 1000 रुपीज सिंगल रूम पर नाइट। हाँ ओके सर, बाकी अगर कोई पर्सन आना चाहता है तो कैसे आ सकता है यहाँ? अपना जस्ट डायल पर अवेलेबल है होटल और आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नंबर भी कार्ड का फोटो दे सकते सर के नंबर है इस पर कॉल कर सकते हो आप। ठीक है तो यहाँ से ना बुकिंग हो जाएगी आपकी। तो बाकी सर ये पर है ना होटल रूम दिखा दीजिए। अभी यहाँ पे ना अगर बात करूँ इस होटल की, यहाँ पे लिफ्ट की फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए ये यहाँ पे सिंगल रूम है, ये देखो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे जितने भी रूम हैं काफ़ी अच्छे और क्लीन हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके जो वो रहेगा वॉशरूम वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ये था दोस्तों इस होटल की एक छोटी सी ब्लॉग। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे सामने जो आप देख रहे हो ये है महाकाल मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट। अगर हम बात करें यहाँ से गेट होता है तो इसके सामने जैसे ये पुलिया ख़त्म होती है उसके सामने आपको ना ये होम स्टे के नाम से मिल जाएगा। मैं आपको नीचे से दिखा दूंगा। तो अगर आप जाते हो तो ये इनका होम स्टे का, साथ साथ अगर हम बात करें ये इनका होम स्टे का आपका रहेगा। अब बाकी अंदर से मैं रूम दिखा देता हूँ, उसके अलावा सर से बात करते हैं कि कैसे यहाँ पर प्राइस वगैरह रहेगा और किस हिसाब से इनके रूम रहते हैं। अभी हम सर से बात करते हैं तो इसके बारे में। हेलो सर नमस्कार, कैसे हो आप सर? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। सर इस होटल के बारे में जो आपका होम स्टे है इसके बारे में बताइए सर, क्या नाम है और कहाँ पे इसका एड्रेस रहता है? सर हमारी होटल का नाम होटल श्री राम कृपा गेस्ट हाउस है। ओके। और इसमें हम कम से कम रेट में यहाँ पर दर्शनार्थियों को रूम प्रोवाइड करवाते हैं। ओके। और हमारा शुरुआत रूम की 800 रुपये से स्टार्ट है जो 1500 रुपये तक है। और एसी में चाहें तो एसी का इंक्लूड करके कम से कम में वो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। ओके। तो सर यहाँ पे आने के लिए अगर आया जाए तो कैसे आ सकता है पर्सन? या तो बाय आप फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो महाकाल लोक की पार्किंग बोल के आप हमारे होटल पे आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा? कॉन्टेक्ट नंबर हमारे डिस्प्ले पे प्रोवाइड करवा देंगे आपको। हाँ तो ठीक है सर, बाकी आप एक बार है ना रूम दिखा दीजिए कैसे रूम है यहाँ। आइए सर। अभी हम आ चुके हैं रूम के अंदर, अभी हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए। तो हम अगर बात करें ये है इनका फर्स्ट रूम जो कि 4 बेड है जो कि काफ़ी अच्छा है और बड़े हैं रूम और काफ़ी सीलिंग वगैरह वो भी काफ़ी अच्छी है। रही बात ये एसी रूम रहेगा, इसके साथ साथ अगर आप वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा आपको क्लीन एंड डीप एंड क्लीन मिल जाएगा। उसके अलावा ये है रूम, ठीक है उसके बाद देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं छत पर, तो ये छत वाला रूम है, ये भी बड़ा रूम है आपका। तो इनके जो रूम रहेंगे वो काफ़ी बड़े रूम हैं तो सिंगल रूम भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप एक बार आने से पहले कॉल करके आ सकते हो, नंबर इनका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इनका वॉशरूम है वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी यहाँ पे दो रूम और तैयार हो रहे हैं, मतलब घर हैं तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है तो धीरे धीरे तैयार हो रही है। बाकी मैं आपको ना ऊपर से नज़ारा दिखा देता हूँ महाकालेश्वर मंदिर का। यहाँ से अगर आप आते हो ये जो सामने देख रहे हो आप, ठीक है बिल्कुल सामने ये यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर का नज़ारा है। ये सामने बिल्कुल महाकालेश्वर मंदिर है तो आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो। अभी मैं आया हूँ एक ऐसे होटल में जो कि रेलवे स्टेशन और रही महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। उस होटल की हम रिव्यू करेंगे, उस होटल के बारे में बताएंगे दोस्तों। अगर आपको ये होटल अच्छा लगता है तो इस होटल के नीचे के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा तो वहाँ पे जाके कॉल भी कर सकते हो। अभी मैं आ चुका हूँ होटल रघुवीर में, ये है बाहर का नज़ारा, काफ़ी अच्छा होटल है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ बाहर से, ये जो आप सामने देख रहे हो ठीक है ये है अपना पुल फ्लाईओवर जो बिल्कुल पास में ही है, रेलवे स्टेशन और महाकाल मंदिर के पास में ही है। उसके अलावा हम अंदर जाके आपको दिखा देते हैं यहाँ का रिसेप्शन एरिया और इसके साथ साथ यहाँ के रूम के प्राइस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पर रिसेप्शन एरिया है और ये यहाँ देखिए। तो अभी हम बात करेंगे। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर होटल के बारे में बताइए, होटल का नाम क्या है और होटल का एड्रेस क्या रहेगा? उसके अलावा इसके जो प्राइस है वो कितने से स्टार्ट है सर? होटल रघुवीरा पैलेस 75 रवि शंकर नगर। ओके। ये कॉलोनी का नाम है। ओके। इसका जो प्राइस वगैरह रहता है 1500 से स्टार्ट होकर के 3000 रुपये तक रहता है। ओके। तो इसके अलावा सर यहाँ पे अगर कोई पर्सन आता है बुकिंग करना चाहता है तो कैसे बुकिंग कर सकते हैं? जस्ट डायल से कनेक्टेड है, जस्ट डायल पे भी नंबर डाला हुआ और बाकी चीजों पे भी है, booking.com पे भी है सर। ओके। तो बाकी मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहाँ पे भी जाके आप कॉल कर सकते हो। चलिए सर एक बार ना आप अपना नंबर दिखा दीजिए, अगर कोई पर्सन आगे बुक करना चाहता है नंबर देख के बुक कर सकते हैं, पर्सन आके देखना चाहता है तो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सर एक बार रूम देख लेते हैं। सर चलिए
अभी हम जा रहे हैं रूम देखने के लिए, ठीक है। तो ये अभी रिसेप्शन एरिया है जो कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे अभी हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। अभी हम आए हैं रूम देखने के लिए जो कि यहाँ का सबसे शानदार रूम है। ये देखिए काफ़ी अच्छा रूम है, नई प्रॉपर्टी है पूरी, और LCD और बाकी चीज़ों की यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। दराज वगैरह भी हैं और मिरर, ये मिरर रहेगा। उसके अलावा वॉशरूम की अगर हम बात करें, ये यहाँ का वॉशरूम है जो कि काफ़ी अच्छा यानी क्लीन वॉशरूम है। ये देखिए अभी आए हुए हम होटल में, तो होटल में रिव्यू लेते हैं सर से। तो हाँ जी सर, बताइए इस होटल के बारे में, आप यहाँ पे रुके हुए हैं तो कैसा स्टाफ है यहाँ का सर? यहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव है। ओके, जो भी मतलब हम उनसे कहते हैं तुरंत फास्ट फूड में काम करते हैं। ओके सर, और बाकी लोकेशन की वाइज देखा जाए तो लोकेशन के हिसाब से कैसा? लोकेशन काफ़ी अच्छा है, लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी पास में है, कॉरिडोर भी आपके पास में पड़ता है और वॉकिंग डिस्टेंस में भी है, और खाना भी बहुत बढ़िया है। फैमिली के साथ आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। बताओगे आप होटल खुश रहे तो आपको ले आएगा, आप चाहे इंदौर जाओ या रेलवे स्टेशन, काफ़ी दूर तक इनका फैला हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ये था दोस्तों यहाँ पे इस होटल का एक छोटा सा व्लॉग। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक बाय बाय।